कैसे दोस्तों, ये वीडियो तो आपने देखी हुई कल से लेकर अब तक मेरे जहन में। जब ये मैंने वीडियो देखी थी, यकीन मानिए मैं रात भर सो नहीं सका। मुझे लगा यार कि आखिर ये सारी चीज़ क्यों हो रही है और मुझे इस पर बात रखनी चाहिए। और ओबियसली जाहिर है आप लोगों ने तो जज कर लिया है, हस्बैंड की गलती है, ठीक है। और जितना जिम्मेदार हस्बैंड है, कुछ लोगों का ये कहना है कि आयशा को भी ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। आई टोटली एग्री विद यू, इस बात से भी एग्री करता हूँ कि आयशा को ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। इस बात से भी एग्री करता हूँ कि इसके ज़िम्मेदार जो है उसका हस्बैंड है। और इस बात से भी एग्री करता हूँ कि इसका ज़िम्मेदार जो कहीं ना कहीं पूरा समाज है। लेकिन दोस्तों, पहले आज मैं इस टॉपिक पर दो तरह की बात करूँगा। पहले मैं उसके बारे में जानकारी देता हूँ, आयशा की फैमिली के बारे में। एक्चुअली अहमदाबाद के रहने वाले हैं और उन्होंने उनके जो फादर हैं वो पेशे से टेलर हैं, यानी दर्जे हैं। हर एक बाप की उम्मीद होती है, हर एक बाप की चाहत होती है कि मेरी जो लड़की हो उसे प्यार करने वाला जो हो मुझसे भी बेहतर हो। एज अ फादर मैं भी चाहूँगा कि मेरी कोई लड़की हो और मेरी लड़की का जिससे निकाह हो वो मुझसे भी ज़्यादा प्यार करने वाला हो। इसलिए उन्होंने जालंधर राजस्थान में आरिफ नाम के लड़के से निकाह किया था 2018 में। और निकाह के बाद ही वो दहेज की डिमांड करने लगा। यहाँ तक 2018 में वो लड़की को जो है ससुराल मतलब मायके छोड़ आया था। घर वालों ने बहलाया फुसलाया समझाया, उसके बाद जो है वह वापस ले गया। फिर उसके बाद 2019 में फिर वो मायके में वापस छोड़ आया। यहाँ तक 1.5 लाख रुपये की डिमांड करी थी। अब एक टेलर इंसान जो दर्जी है, 1.5 लाख रुपये उसने किस तरह दिए होंगे आप समझ सकते हो। 1.5 लाख रुपये देने के बाद भी वो मायके उसने छोड़ दिया। और ये लड़की कई दिनों से जिद कर रही थी कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। और आरिफ का ये कहना था कि नहीं, दहेज चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि उस लड़की ने कहा मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। तो लड़के ने कहा कि एक काम करना, मर जाना और उसकी वीडियो जो है मुझे भेज देना। लड़की टूट चुकी थी क्योंकि लड़की को हमेशा शुरू से लेकर आखिर तक एक परीक्षा देनी होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियाँ मतलब लड़के ही गलत होते हैं, बट मैं इस केस की बात कर रहा हूँ। हुआ क्या, उस लड़की ने जो है साबरमती जो ब्रिज था वहाँ जाकर सुसाइड कर लिया। ये तो थी उस परिवार की फैमिली की कहानी। अब इस पर मेरी अपनी क्या राय है मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखो, ये बात आप खुद मानते हो कि समाज भी गलत है कहीं ना कहीं, और तुम्हारे कि उसका जो हस्बैंड है वो पूरी तरह गलत है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आयशा को ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। बट मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे ये कहूँ कि मैं आपको एक दोस्त दिलवाता हूँ। दोस्त 2 लाख का होगा या 5 लाख का, एक दोस्त आएगा आपके पास रहने के लिए जो घर से 2 लाख 5 लाख रुपये लेकर आएगा, ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगा, खाना भी खिलाएगा आपको, कपड़े भी धोएगा आपके साथ, फिजिकल भी होगा, सारी चीज़ें करेगा। तो क्या आप उसे दोस्त मानोगे? आपको कहोगे यार अरबाज भाई दोस्त पैसों से नहीं आते। और कोई अगर 5 लाख रुपये करके हमसे दोस्ती कर रहा है तो वो एक रोबोट है। यानी सीधी सी बात आपको समझ में आती है कि पैसों से ख़रीदा हुआ इंसान भले से आपके साथ रह ले, आपके साथ आपके सारे काम करे, उसकी इमेज आपकी नज़र में सिर्फ रोबोट ही हो सकती है, वो कभी दोस्त नहीं हो सकता। तो यानी जो रिश्ते पैसों के बेस पर होते हैं वो एक्चुअली में दोस्त हो नहीं सकते। जब शादी की बात आती है, निकाह की बात आ जाती है, तो मैं कांप जाता हूँ। कांप इसलिए जाता हूँ क्योंकि इस रिश्ते को लोगों ने बिजनेस बना दिया और इसमें जितने ज़िम्मेदार लड़के हैं 90% यकीन मानिए मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पर कह रहा हूँ, इतने ज़िम्मेदार लड़की वाले भी हैं। क्योंकि ऐसे हज़ारों लाखों लड़के घूम रहे हैं जो अच्छे हैं, जो दूसरे परिवार की इज्जत करना चाहते हैं, लड़की से प्यार करते हैं, बट वो फाइनेंशियली साउंड नहीं, जलील हो रहे हैं, लेकिन लड़की वाले उन्हें रिश्ता देना तैयार नहीं। यहाँ तक लड़की वाले, लड़की तो छोड़ो, लड़की की माँ ये सोचती है कि लड़के की दाढ़ी ना हो, दामाद की दाढ़ी ना हो, साथ ही साथ एक अच्छे फैमिली से हो। जब आप अच्छी फैमिली का लड़का ढूंढते हो या अच्छे जॉब्स वाला लड़का ढूंढते हो तो जाहिर है वो अपनी डिमांड रखेगा, जो कि गलत है। वहीं अगर लड़कों की बात की जाए तो वो ये सोचते हैं कि यार हमें एक पार्टनर ऐसा मिल जाए, देखिए पार्टनर के साथ साथ एक पैसे वाले मिल जाए। यानी सोचने की कोशिश कीजिए, वो रिश्ता जो आपके साथ रहने वाला है, जिसके साथ आपको ज़िंदगी गुजारनी है, उसमें भी आप बिजनेस शामिल कर रहे हैं। और ये इसकी शुरुआत कोई अब से नहीं हुई है, ये पहले के दौर से चली आ रही है दहेज के चक्कर में। लेकिन इसके चक्कर में नुकसान किसका होता है? इसको जस्टिफाइड करने वाले भी लोग हैं दहेज को। लोग कहते हैं अरे भाई लड़की वाले तो अपनी लड़की को दे रहे हैं।
अरे तुम आओगे तो अपने लिए लेकर आओगे ना, अगर बाइक आओगी तो आप बाइक से आप घर जाओगी, कार लेकर आओगी, आप मुझे थोड़ी दे रहे हो। तो लड़के वाले ऐसे जस्टिफाइड करते हैं, लड़की वाले भी दहेज को जस्टिफाइड करते हैं। सवाल यह है कि इस पर स्टैंड लेना होगा। अगर आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हो कि यार वीडियो के पर्पस है तो कोई फ़ायदा नहीं, बट अपनी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए सोच रहे हो तो सोच के देखने की कोशिश कीजिए कि एज अ फादर आप या एज अ मदर आप ही सोचने की कोशिश कीजिए कि आप नहीं चाहोगी कि आपकी कोई लड़की को कोई ऐसा प्यार करने वाला मिले जो आपसे भी ज़्यादा करने वाला हो, क्योंकि आपकी सांसें, आप एक फादर हैं तो आपकी सांसें चल रही हैं। लेकिन आपके जाने के बाद सोचो, आप खुद चाहोगे कि आपके बच्चे को कोई प्यार करने वाला मिले तो वो हो जो आपसे ज़्यादा प्यार करने वाला हो। लेकिन आप ही अपना ऐसा दवान ढूंढ रहे हो कि जिसे आप पैसे दे रहे हो 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, 4 लाख रुपये, तो क्या वो आपकी लड़की को आपसे ज़्यादा प्यार कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि जो दहेज की डिमांड करे उससे रिश्ते कैंसिल कर दो। ये दुनिया बहुत बड़ी है, ये देश जो है ना 138 करोड़ देश का है, आपकी लड़की का नसीब जो होगा वो मिल जाएगा। 138 करोड़ देश में एक लड़का तो ऐसा होगा ना जो आपकी फैमिली के विचारों से सहमत होगा, जो आपकी बेटी को अपनाएगा दहेज को ना अपनाने के बाद, यानी दहेज को नहीं अपनाएगा आपको, सेम लड़के का है। क्या इतने बड़े देश में कोई लड़की ऐसी नहीं मिलेगी जो बिना दहेज के आपको एक्सेप्ट कर ले, या अगर आप गरीब हो तो आपको एक्सेप्ट कर ले? पिछले 5 साल से मैं भी इस रेस में था, हमने भी प्यार किया है, हमने भी लड़की को फॉलो किया है, लेकिन लास्ट में क्या पता चला कि हमारा रिश्ता या हमारी शादी इस बेस पर नहीं हो पाई कि हम फाइनेंशियली साउंड नहीं थे। उनके परिवार वाले, उनकी माँ तारीफ करती है हमारी कि आप अच्छे हो, एक एक घंटा 2-2 घंटे बात करती है लड़की की माँ, मुझसे बात की है, लेकिन जब रिश्ते चुनने की बात आई है तो उन्होंने किसी और को चुन लिया। क्यों? क्योंकि मैं फाइनेंशियली साउंड नहीं हूँ। तो भाई मैंने सोचा कि यार मुझे पैसा कमाना है, मुझे वो लड़की चाहिए। हुआ क्या, 2 साल पैसे कमाए, 3 साल पैसे कमाए, पैसे कमाने के बाद एक अचानक एक दिन दिमाग में आया कि नहीं यार, अगर मैं पैसा कमाने की वजह से अगर वो लड़की मुझे मिलेगी तो मुझे इस कॉम्पिटिशन में नहीं बढ़ना, इस रेस से अलग हट जाता हूँ। मैंने क्या करा, अपने आप को दोबारा गरीब दिखा दिया। आज अच्छा पैसा कमाता हूँ बट मैंने ये साबित कर रखा कि भाई मैं गरीब हूँ, क्योंकि जो जुड़ेगा मुझसे अब वो मेरी इस हैसियत को देखकर, मेरी इस औकात को देखकर जुड़ेगा। अगर पैसे से रिश्ते बनते हैं या पैसे से ही स्टेटस बनता है या पैसे से ही आपके दो दोस्त मिल रहे हैं, तो मुझे ऐसे दोस्त नहीं चाहिए। जो मुझे इस रूप में एक्सेप्ट करेगा वो ही मेरा असली दोस्त है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ, हर रिश्ते में आप बिजनेस कीजिए, लेकिन यकीन मानिए अगर आपने हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में अगर बिजनेस किया ना, तो सिर्फ पत्नी या पत्नी पति आपको एक रोबोट तो हो सकता है, और जो रोबोट होता है ना उसके अंदर इमोशंस नहीं हो सकते। वो आपका सारा काम करेगा, वो आपके साथ फिजिकली भी होगा, आपके कपड़े भी धोगा, सारे काम करेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बट वो आपके रूह में कभी नहीं उतर सकता। तो इस कहानी से ही हमें ये सबक मिलता है आयशा वाले मामले से, कि जितने ज़िम्मेदार उसका हस्बैंड है, इतना ज़िम्मेदार समाज है। लड़की जो होते हैं पक्ष, वो वाले भी ज़िम्मेदार होते हैं, लड़के वाले भी ज़िम्मेदार होते हैं। एक्चुअली हमारी सोच ही कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार है, वो सोच जो इस रिश्ते में बिजनेस लेकर आई। अगर कोई आपसे दहेज मांग रहा है, रिश्ता ख़त्म कर दीजिए, अल्लाह है, 138 करोड़ के देश में तो आपको ऐसा लड़का मिल जाएगा। कोई लड़का है और वो गरीब है और उसे लगता है कि मेरी शादी नहीं हो रही, और वो सोचा कि यार मैं पैसा इसलिए वो कमाऊंगा कि मैं ताकि मैं इस लड़की को प्राप्त कर लूँगा, तो आप पैसा कमाओ, बट ये सोच के मत कमाओ कि मुझे इस लड़की से रिश्ता करना है, क्योंकि 138 करोड़ के देश में एक लड़की आपको मिल जाएगी, ऊपर वाला देख रहा है आपको। तो खैर ये एक छोटा सा मैसेज था, अगर मैसेज पसंद आए तो मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। और कहीं ना कहीं आयशा का मुझे बहुत दुख है, वो शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था। और एक बात कह दूँ कि जो सुसाइड है ना वो एक सोल्यूशन नहीं है, सुसाइड से आगे भी एक बहुत बड़ी ज़िंदगी है।